नमस्ते, आज हम आपके समक्ष प्रसिद्ध बांसुरी वादक स्वर्गीय पन्नालाल घोष जी, इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। पन्नालाल घोष, इनको अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। पन्नालाल घोष, इनका जन्म 24 जुलाई 1911 में बारिसल बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। उनके पिताजी अक्षय कुमार घोष एक सितार वादक थे। पन्नालाल जी ने अपने पिताजी से बहुत ही कम आयु में सितार वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिस वजह से उन्होंने बांसुरी का अध्ययन करने का निर्णय लिया। जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उन्होंने एक छोटी सी बांसुरी उठाई थी जो आम तौर पे चरवाही बजाते थे, और अपने पिता से सितार पर जो कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे वही उन्होंने बांसुरी पर बजाने का प्रयास किया। तेरह साल की उम्र में उनकी शादी पारुल घोष से हुई जो 12 साल की थी। पारुल यह एक प्रतिभाशाली गायिका थी और बाद में वह प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बन गई। पन्नालाल घोष, इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अमूल्य योगदान था। 18 साल की उम्र में उन्होंने बांसुरी वादन पर अपना लक्ष्य धारण कर लिया। पन्नालाल जी ने जान लिया कि एक बड़ी बांसुरी की पिच सोनोरिटी शास्त्रीय और हल्के संगीत दोनों के लिए उपयुक्त होगी। घोष जी ने विभिन्न सामग्री सहित धातु और विभिन्न प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया और बांस का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह अंत तक एक बांसुरी पर बसा जो 32 इंच लंबी थी। सन 1940 में वह बॉम्बे में आए ताकि संगीत कला में अपना नाम कर सके। सन 1940 में स्नेहबंधन ये उनका पहला सिनेमा था जिसके वो संगीतकार थे। पन्नालाल घोष जी ने आंधिया 1952 इस सिनेमा के लिए उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर जी के साथ बैकग्राउंड स्कोर का दिग्दर्शन किया।
पन्नालाल घोष जी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7 छेदों वाली बांसुरी का निर्माण किया था। घोष जी ने बांसुरी में तीव्र मध्यम का छेद, जिसे ध्रुव मध्यम छेद कहा जाता है, इसका आविष्कार किया। इसका उपयोग विविध राग जैसे पूरिया, दरबारी, बिहाग, इन रागों के लिए महत्वपूर्ण था। पन्नालाल घोष जी ने 40 इंच की बांसुरी का निर्माण किया, जो राग दरबारी बजाने के लिए उपयोगी होता है।